नमस्कार दोस्तों, आप सभी को उत्कल असल हिंदी की और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूबॉर्न चिक्स का केयर कैसे किया जाता है और उनको पहला फीड और पानी कैसे दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटी सी इंट्रो के बाद। दोस्तों, आप ये जो चिक्स देख रहे हैं, ये मेरे हंसिल के चिक्स है और इस इनक्यूबेटर में मैंने 23 अंडे दिए थे, जिसमें से ये 8 चिक्स ही हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर भी बोलूँगा कि मेरा 80% रिजल्ट आया है, क्योंकि मैं इस इनक्यूबेटर में जो 23 अंडे दिए थे उनमें से 16 अंडे जो कूलेट एग्स होता है, जो मुर्गी जो पहली बार जो अंडा देता है, वो वाला अंडे थे, जिसको मैं सिर्फ ट्रायल के लिए रखा था ताकि मुझे मालूम पड़ सके। जो मैं YouTube में देखा था कि जो कूलेट एग्स होता है उसमें हैचिंग रेट अच्छा नहीं आते, और उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं देख रहा था कि उसमें से चिक्स निकलते हैं या नहीं और वो बात सही है या नहीं। तो मैं देखा कि उसमें से सिर्फ जो 16 अंडे थे उसमें से सिर्फ 2 अंडे में चिक्स हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी कूलेट एग्स का यूज़ इन हैचिंग के लिए ना करें। उससे अच्छा होगा कि आप उस एग्स को खाने के लिए यूज़ कर दें। तो दोस्तों, चलिए अब हम ये सारे चिक्स को ब्रूडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक लो कॉस्ट ब्रूडर है, जो कि सिर्फ एक पेपर बॉक्स और एक 100 वाट बल्ब से बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बेडिंग को तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों, बेडिंग को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले 2 इंच का एक जो लकड़ी का बुरादा, नहीं तो ये जो राइस हस्क होता है, उसको डाल देना है। देन लकड़ी का बुरादा या फिर राइस हस्क को डालने के बाद आप उसके ऊपर इस तरह के एक पेपर डाल दीजिए, ताकि आपके जो चूजे हैं वो उस बुरादा या फिर जो राइस हस्क होता है उसको फीड समझ के ना खाए। और आप इसके ऊपर पहला फीड भी डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह के एक हाइग्रोमीटर को ब्रूडर के अंदर रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको पता लग जाएगा कि आपके ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर क्या है, और उसके हिसाब से आपके जो बल्ब होता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन दोस्तों, आप गुड़ या फिर शक्कर से मीठा पानी बना के आपके चीज़ के लिए ब्रूडर के अंदर रख दीजिए। मैं यहाँ मेरे चीज़ को गुड़ का पानी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो मीठा पानी होता है इसको आप 12 घंटे के लिए रखें। उसके बाद आप इस पानी को चेंज करके नॉर्मल पानी या फिर हल्दी का पानी दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, आप ये जो पानी दे रहे हैं इसको थोड़ा उबाल के उसको ठंडा करने के बाद आप आपके चीज़ को पीने के लिए दे दीजिए। इससे क्या होगा ना, उनको किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, आप एक बाउल में प्री स्टार्टर फीड लेके इसके अंदर रख दीजिए, और इस तरह पेपर के ऊपर भी थोड़ा डाल दीजिए। अगर आपके पास प्री स्टार्टर फीड नहीं है, देन आप चावल और मकई को ग्राइंडिंग करके आपके चूजों को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने चूजों को प्री स्टार्टर फीड दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी जो चिक्स है उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और अर्ली मोर्टैलिटी भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इस ब्रूडर के अंदर चिक्स को छोड़ सकते हैं। तो चलिए इनक्यूबेटर से चिक्स को निकल के इस ब्रूडर में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप इनक्यूबेटर से चिक्स को निकलने के बाद उसका चोंच को इस मीठे वाला पानी में थोड़ा सा डुबा दीजिए, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। और इस तरह आप सारे चिक्स को मीठा पानी पिला के छोड़ दीजिए। इससे उनको पता लग जाएगा कि पानी कहाँ है। उसके बाद दोस्तों, आपको दिन में कम से कम 2 बार पानी को चेंज करना है। देन दोस्तों, 1 से 3 दिन तक आप टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखें। उसके बाद 4 से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखें। उसके बाद आप हर हफ्ते टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम करते करते रूम टेम्परेचर पर ले आए। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप आपकी चिक्स का ब्रीडिंग करेंगे तो आपकी चिक्स में से एक भी चिक्स का मोर्टैलिटी नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे कुछ सीखने को मिला है, देन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।